नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग चैप्टर थ्री है ये क्लास नाइन्थ की ज्योग्राफी की किताब का यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे ड्रेनेज की बात करेंगे और जब बात करते हैं ड्रेनेज की तो ड्रेनेज का मतलब होता है कि एक इलाके में उसका रिवर सिस्टम कैसा है और यहाँ पे इलाका हमारे लिए क्या है हम अपने देश इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में रिवर ड्रेनेज सिस्टम कैसा है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात किया जाए तो बिल्कुल बेसिक देखें अगर ड्रेनेज सिस्टम का तो बेसिक ये होता है कि मान लीजिए एक नदी बह रही है अब इस नदी में केवल खुद का पानी तो होगा नहीं कि मान लीजिए ये सोर्स है नदी का यहां से नदी निकली बहती चली जा रही है तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स गिरती हैं जिनको बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज ठीक है तो एक नदी का जो सिस्टम बनता है वो उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज को मिला के बनता है मतलब वो नदियां जो कि अपने पानी को उस मेन नदी के अंदर डालती हैं और ये नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी जितने बड़े इलाके को अफेक्ट करती हैं जितने बड़े इलाके को ड्रेन करती हैं जितने बड़े इलाके में उनका पानी जाता है उस पूरे इलाके को अगर आप जोड़ दो तो वो बन जाएगा ड्रेनेज बेसिन तो ये मेन नदी बह रही है गंगा इसकी एक ही छोटी सी ट्रिब्यूटरी है अब ये छोटी सी ट्रिब्यूटरी जिस जिस इलाके से बहती हुई आएगी वहां के इलाके को इरिगेट करती हुई आएगी ड्रेन करती हुई आएगी तो वो पूरा इलाका इस पर्टिकुलर नदी के ड्रेनेज सिस्टम में आ जाएगा और अगर पूरे एक रिवर सिस्टम की बात हो रही है मान लीजिए गंगा रिवर सिस्टम की बात हो रही है तो पूरा ड्रेनेज बेसिन उसका बड़ा हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर गंगा नदी के ड्रेनेज बेसिन की आप बात करो तो इस फिगर को देखिए इस फिगर में आपको गंगा नदी का ड्रेनेज बेसिन नजर आएगा ये जो बीच में बिल्कुल ये नदी बहती हुई आ रही है ना डार्क कलर में जो ब्लू है ये एक्चुअली में गंगा नदी है मैं थोड़ा सा इसमें ऑन कर दू हां अब दिखेगा आपको ये जो बीच में ये नदी रहती आ रही है नीले कलर की मेन बीच में गंगा लिखा हुआ है जो यहाँ पे ये आपकी मेन नदी है इसमें कितनी सारी और नदियां आगे जुड़ रही हैं आप देखिए यमुना जुड़ रही है राम गंगा जिड़ रही है गोमती घग्घर नीचे की तरफ सोन आप देखिए यमुना जुड़ रही है यमुना में कितनी सारी नदियां जुड़ रही हैं तो ये पूरे गंगा रिवर सिस्टम का अगर आप ड्रेनेज बेसिन देखिए तो आपको कुछ इस टाइप का नजर आएगा यानी कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा कि मेन नदी और उस नदी में गिरने वाले जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी ट्रिब्यूटरीज प्लस मेन नदी जिस जिस इलाके को ड्रेन करती है जिस जिस इलाके में इरिगेशन करती है जिस जिस इलाके में अपने पानी से इफेक्ट पहुंचाती है वो पूरा इलाका उस मेन नदी के ड्रेनेज सिस्टम में आता है एक चीज तो ये हो गई आपकी उसके बाद देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम आपको समझ में आ गया एक बार वाटर डिवाइड को भी समझिए अब दो तरीके की चीजें आपको दिख रही हैं अगर आप इस 3.1 के वाटर डिवाइड को देखिए तो वाटर डिवाइड को समझाने की कोशिश की जा रही है ये है स्ट्रीम वन इतना और ये है स्ट्रीम बी इतना और बीच में एक वाटर डिवाइड उसको डिवाइड कर रहा है लेकिन आपको नजर आएगा कि जो स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी में जो टोपोग्राफी है उस टोपोग्राफी के कंपैरिजन में जो इन दोनों के बीच में वाटर डिवाइड है ये एक ऊंचाई पे है तो चूंकि ये एक ऊंचाई पे है तो इस ऊंचाई ने इस स्ट्रीम ए को स्ट्रीम बी के साथ मिलने से रोक दिया है तो स्ट्रीम ए में आपको सेंटर में एक नदी रहती नजर आ रही है जिसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है

आप YouTube पे मेरा नाम सर्च मारिए आपको मेरा चैनल दिख जाएगा मेरे चैनल पे आइए मेरे चैनल पे आने के बाद मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने के बाद मेरा जो प्लेलिस्ट का पूरी आपको लिस्ट मिलेगी इस प्लेलिस्ट की लिस्ट में आप थोड़ा नीचे की तरफ आइए यहां नीचे की तरफ आपको एक प्ले मिलेगी यहां पर नजर आएगी ये है आपकी रिवर्स ऑफ इंडिया इस प्ले पे आइए दोस्तों में देखिए आपको आपको मैं बताऊंगा कि मैंने किस किस चीज पे ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं तो यहां पे आपको दिख रहा है इंदस रिवर सिस्टम पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है गंगा यमुना रिवर सिस्टम से मैंने तीन पार्ट बनाए फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और उसकी ट्रिब्यूटरीज गोदावरी रिवर सिस्टम उसकी ट्रिब्यूटरीज महानदी रिवर सिस्टम उसके ट्रिब्यूटरीज कृष्णा रिवर सिस्टम उसके ट्रिब्यूटरीज वो पेनिस्लर रिवर्स जो कि अरेबियन सी में गिरती हैं वो पेनिस्लर रिवर्स जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं इन सब पे मैंने वीडियोस बना रखी हिंदी इंग्लिश दोनों में तो आप आके एक बार इस वीडियो को देखिए आपको प्रॉपर चीजें समझ में आ जाएंगी पूरी पूरी जो रिवर सिस्टम है इंडिया का वो समझ में आ जाएगा तो जो एन में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं इसको तो आप लीजिए ही प्लस ये जो मैंने अभी अभी आपको प्लेलिस्ट दिखाई है इस प्लेलिस्ट में भी जाके वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए क्योंकि जब वहां पे आप देखोगे वीडियोस को आपको चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी ठीक है एक बार आप वो पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए और एक बार मेरी पूरी एनसीआर की आप ज्योग्राफी देख लीजिए जो भी कुछ बची हुई चीजें होंगी वो जो मेरी ज्योग्राफी की प्ले लिस्ट उसमें बना दूंगा उसके बाद आपको कहीं और से ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो हमने देखा कि दो तरीके के रिवर सिस्टम इंडिया में समझ में आ रहे हैं एक हिमालयन रिवर सिस्टम है एक रिवर सिस्टम है ठीक है अब देखिए हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनेंसुलर रिवर सिस्टम एक दूसरे से बहुत सारी चीजों में अलग है हिमालयन रिवर सिस्टम पेरानियल है पेरानियल मतलब यहाँ पे पानी की कभी कमी ही नहीं होती यहाँ पे हमेशा पानी रहता है वॉटर थ्रू आउट द ईयर क्योंकि हिमालयन रिवर सिस्टम को कौन फीड करता है ग्लेशियर्स फीड करते हैं ग्लेशियर में बहुत सारा पानी है आपको पता है ना फ्रेश वाटर का जो मेजर प्रोपोर्शन है वो हमारे ग्लेशियर्स में है तो ग्लेशियर से हिमालयन ग्लेशियर से यहाँ पे पानी आता है तो यहाँ पे पानी कभी खत्म नहीं होता चाहे कितनी गर्मी पड़ रही हो नॉर्दर्न इंडिया में वहीं पे अगर आप पेनसुलर रिवर सिस्टम की बात करोगे तो वहां पे हमेशा पानी नहीं रहता वहां पे पानी की कमी आ जाती है खासकर जो ड्राई सीजन होता है वहां उसमें उसमें पानी की कमी आ जाती है जैसे कि अभी के लिए जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपका जुलाई में तो जून के एंड में या जुलाई फर्स्ट वीक में आप देखिए मानसून आ जाता है हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे तो इस समय पे सारी नदियों में पानी बढ़ जाता है क्योंकि बहुत पानी बरसता है लेकिन एकदम गर्मी के टाइम पे चले जाइए अप्रैल मई मही के महीने में चले जाइए तो तो पानी पानी थोड़ा कम कम होता नजर आएगा क्योंकि वहां पे पे उस समय पे कम बरसता है। तो रेन फेड रिवर्स हैं काफी हद है तक ये नदियां जो आपकी पेनसुलर इसलिए वहां पे पानी आपको अक्सर कर कम दिखेगा वहीं पे अगर हिमालयन रिवर्स की बात करेंगे तो स्नो से फीड होती है और ऑब्वियस बात अगर आप बात करो मेजर हिमालयन रिवर सिस्टम की बात की जाए तो एक इंदस रिवर सिस्टम हिमालयन रिवर सिस्टम है मेजर और एक ब्रह्मपुत्र एक खास बात यहां और बताई गई जो इंदस रिवर सिस्टम है और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है ये हमारे हिमालयस के भी नॉर्थ से दोस्तों निकलती हैं मतलब ये पूरे के पूरे हिमालय को काट के आती हैं गंगा पूरी तरीके से हिमालय को नहीं काटती है लेकिन इंदस और ब्रह्मपुत्र पूरी तरीके से हिमालय को काटती है अब ये चीज मैं आपको कैसे समझाऊं देखिए इंदस नदी का जो ऑरिजन है वो कुछ इस इलाके से आपको नजर आ रहा है तिब्बत में वहीं पर ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको जांगपो नदी कहते हैं चाइना में तो ये जांगपो का ओरिजिन कुछ यहां से नजर आ रहा है ये दोनों इलाके आपको चाइना के तिब्बत में दिख रहे हैं और ऑब्वियस सी बात है ये जो तिब्बत वाला इलाका ये हिमालय के ऊपर जाके पड़ता है तो आप कह सकते हो कि इंदस नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो कि चाइना में जांगपो बोली जाती है ये हिमालय को पूरी तरीके से काट के आती है वहीं पर गंगा नदी पूरी तरीके से हिमालय को काट के नहीं आती एक तो ये मैंने आपको चीज बताई लेकिन है ये, सारी ये सब हिमालय काट के का मतलब हिमालय से से धीरे धीरे ऊपर उठे इन नदियों ने अपने इरोजन के दम पे हिमालय को काट दिया इसलिए बहुत सारे गॉर्जेस मिलेंगे आपको हिमालय नदियों में ये देखिए दोस्तों नीचे गॉर्ज दिख रहा है आपको आपको दिख रहा है कि दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में एक नदी की स्ट्रीम बह रही है कहने का मतलब यह है कि नदी की स्ट्रीम तो पहले से बढ़ रही है पहाड़ ऊपर उठना शुरू हुए जब पहाड़ ऊपर उठना शुरू हुए पहाड़ों को बीच से काट दिया इस नदी में इन नदियों में इतनी ताकत होती है अब आपको आज की डेट में देख के लगेगा कि यार इतने ऊंचे पहाड़ ये जरासी नदी कैसे काटेगी तो आपको पहले बता दू एंटीसीडेंट नदियां वो होती हैं जो पहले बह रही हैं उनके बहने के बाद मतलब वो तो बह रही हैं नीचे से पहाड़ उठना शुरू हुआ जब नीचे से पहाड़ उठना शुरू किया उन्होंने पहाड़ों को शुरुआत से ही काट दिया तो अगल बगल के पहाड़ तो उठते चले गए लेकिन जहां पर नदियों ने काटा वहां पर नदियों के बहने के लिए जगह है फिर अगर आप हिमालय नदियों की बात करोगे तो वो बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए बहती है अपने सोर्स से सी जग जो उनका सफर होता है काफी लंबा सफर होता है वहीं पे अगर आप पेनिस्लर नदियों को देखोगे तो उनका जो रास्ता है वो उतना लंबा नहीं होता थोड़ा छोटा होता अगर आप हिमालय नदियों की बात करोगे वो इरोजनल एक्टिविटी बहुत करती है बहुत ज्यादा इरोजन करती है अपने अपर कोर्स में वो बहुत ज्यादा सिल्ट और सैंड को उठाएंगी और मिडिल और लोअर कोर्सिस में वो सिल्ट और सैंड को डिपॉजिट करेंगी जिसकी वजह से मियडर्स ऑस्बोल्स बहुत बनती है अब सबसे पहले दोस्तों अगर अब तक आपने मेरी एनसीआरटी की सीरीज को ठीक तरीके से देखा है तो मियडर्स और ऑक्सबो लेक्स को पढ़ के आपको अजीब नहीं लगा होगा अगर आपने नहीं देखा है तो आपको अब तक पता ही नहीं होगा कि मेन्डर्स और ऑक्सबोस लेक्स क्या होते हैं तो अगर आपको मियडर और ऑक्सबो लेक नहीं पता है क्या होते हैं और नदियां कैसे डिपोजिशन करती हैं अपने फ्लड प्लेन में तो मैं आपसे कहूंगा कि मेरे चैनल पे ये क्लास सेवन की एनसीआरटी की जो किताब है अवर एनवायमेंट इसका चैप्टर थ्री अवर चेंजिंग अर्थ ये मैंने बना रखा है तीस मिनट की वीडियो इसको जाके देखिए इसको जाके देखिए आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये मियंडर्स क्या होते हैं ये ऑक्सबोलेक्स क्या होती हैं यहां पे भी मैं थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा पर उस डिटेल से नहीं समझाऊंगा क्योंकि यहां पे बहुत सारी ऐसी चीजों की बात की कि अगर मैं डिटेल से समझाने में चला गया तो चार घंटे भी कम होंगे अब मान लीजिए हिमालयन नदी की मैं बात करता हूं और हिमालयन नदी यहां कहीं से ओरिजिनेट हो रही अब धीरे धीरे बहती हुई आ रही तो यह है अपर कोर्स अपर कोर्स में क्या होगा कि बहुत स्टीप स्लोप होगा तेजी से नदी बहेगी नदी की स्पीड ज्यादा होगी और बहुत ज्यादा इरोजन ये करेगी यहां पे इरोजन करते करते ये नदी अपने मिडिल कोर्स में पहुंचेगी अब मिडिल कोर्स में भी इरोजन करेगी बट प्रॉब्लम ये है कि मिडिल कोर्स में जो इसका स्लोप है वो स्टीप नहीं रहेगा बहुत ग्रेजुअल हो जाएगा तो जितना ज्यादा ग्रेजुअल कोर्स होगा उतने ही ज्यादा मियडर्स आपको बनते हुए नजर आएंगे अब आपके दिमाग में आएगा मियडर्स क्या है अब तक आपने नहीं देखा तो देखिए मियंडर्स कुछ इस तरीके का शेप होता है कि मान लीजिए नदी ऐसे बहती हुई जा रही है एकदम सिक्जैक्ट शेप में बिल्कुल सांप के शेप की तरह जैसे सांप नहीं चलता है उस तरीके से चलती चली जा रही है तो सांप की तरह नदी चलती चली जा रही है तो बहुत सारे बनाती है 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 तो यहां पे देखिए ये ये एक बन रहा ठीक दोस्तों ये नदी अपने मिडिल कोर्स में काफी सारे मियंडर्स बना सकती है और इरोजन भी करेगी तो अपने अपर कोर्स में इरोजन करेगी लोअर मिडिल कोर्स में इरोजन करेगी जब ये लोअर कोर्स में पहुंचेगी तो लोअर कोर्स में पहुंचते पहुंचते ये बहुत पहुंच सारे ऑक्सबो लेक्स बनाने लगेगी ऑक्सबो लेक्स में क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए एक नदी ऐसे बहती हुई आ रही है ऐसे बहती हुई आ रही है अब ये ऐसे बहती हुई आ रही है डिपोजिशन हो रहा है यहां डिपोजिशन हो रहा है यहां डिपोजिशन हो रहा है यहां डिपोजिशन पास आता गया ये मिल गया ये मिल गया तो इस नदी को सीधे रास्ता मिल गया बहने का ये लेक कट के अलग हो गई तो ऐसी किस तरीके की जो लेके मिलती है रास्ते में इनको बोला जाता है ऑक्सबो लेक इस तरीके से ऑक्सबो लेक बनती है अभी भी नहीं समझ में आया ऑक्सबो लेक कैसे बनती है दोस्तों चैप्टर थ्री अवर चेंजिंग अर्थ की वीडियो देखे जाके आपको पता चलेगा तो ये मियांडर्स ये ऑक्सबो लेक्स ये आपको काफी मिलेंगे देखने को कहाँ पे हिमालयन नदियों में वहीं पे जैसा कि मैंने बताया जो पेनसुलर नदियां होती हैं बहुत तब तक सीजनल होती हैं उनमें जो फ्लो होता है वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट होता है ड्राई सीजन के दौरान उनमें पानी काफी कम हो जाता है पेनसुलर नदियां काफी छोटी होती हैं ज्यादा गहरी नहीं होती हिमालयन काउंटर पार्ट से अगर आप उनको कंपेयर करते हो आप देखोगे बहुत सारी ऐसी नदियां हैं पेनिसुलर रीजन में जो कि सेंट्रल हाईलैंड से निकलती है और वेस्ट की तरफ बहती हैं ज्यादातर तो भैया आपका वेस्टर्न घाट से निकलेंगी और बेहर बंगाल की तरफ जाएंगी कुछ ऐसी नदियां हैं जो सेंट्रल हाईलैंड से निकलेंगी वेस्ट की तरफ जाएंगी ऐसी कोई दो नदियां तो मैं आपको मैप पे दिखा देता हूं ऐसी दो नदियां आपको ऐसी दो नदियां दिख रही हैं नर्मदा नदी कुछ यहां से आपको निकलती नजर आ रही है तापी नदी कुछ यहाँ से निकलती नजर आ रही है और ये देखिए जाके आपका यहाँ गल्फ ऑफ खम्बत के पास गिर रही है अरेबियन सी में नर्मदा भी तापी में तो नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं जो वेस्ट की तरफ बहती हैं हमारे इंडियन पेनिसुला में ये तो अपने दिमाग में छाप लीजिए ये सबसे आसान और हलुआ सवालों में से एक सवाल है आगे बढ़ते हैं दोस्तों हिमालयन नदी की बात की जाए तो हिमालयन नदी में इंपॉर्टेंट नदी कौन कौन सी है तो इंदस नदी है गंगा नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है काफी लंबी नदियां हैं इनके रास्ते में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज बनती है इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी बड़ा है तो अगर एक रिव्यूअर को उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर अगर आप रिज्यूम करते हैं तो वो क्या बनाता है वो पूरा का पूरा एक रिवर सिस्टम बनाता है तो सबसे पहले बात करते हैं इंदस रिवर सिस्टम की इंदस नदी निकलती है तिब्बत में लेक मानसरोवर के पास वेस्ट बहती है और इंडिया में एंटर करती है लद्दाख में जबरदस्त गॉर्जेस बनाती है बहुत सी जगहों पे गॉर्जेस पता है ना गॉर्जेस वहां बनते हैं जहां पे बड़े बड़े पहाड़ों को एक नदी काटती हुई निकल रही है इंदस की बहुत सी ट्रिब्यूटरीज है तो जास्कर न्यूब्रा हुंजा श्योक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि श्योक के बगल में ही है गलवन रिवर और गलवन रिवर के चारों तरफ घेलती हुई है आपकी गलवन वैली जहां पे पूरा बवाल चल रहा है इंडिया चाइना के बीच में तो श्योक नदी से रिलेटेड अगर कोई सवाल आ जाए यूपीएससी में प्रीलिम्स में या मेन्स में तो आश्चर्यचकित मत होगा तो जास्कर श्योक हु ये सब आपकी इंदस की ट्रिब्यूटरीज है फिर आप देखोगे हिंदस नदी बहती हुई बल्तिस्तान के थ्रू गिलगित के इलाके में घुसती है जो कि रखा है वो इंडिया का है वहां पे। उसके बाद आप के 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 पास निकलती है पाकिस्तान में और फिर सतलज बीज रावी चेनाब और झेलम इंदस में मिलते हैं पाकिस्तान में एक जगह है मिथनकोट उसके पास उसके बाद आप देखेंगे इंदस साउथ की तरफ बहती है और ईस्ट ऑफ द कराची जाके अरेबियन सी में गिर जाती है जो इंदस का प्लेन है उसका जो स्लोप है काफी जेंटल है जो इसकी टोटल लेंथ है वो उन्तीस किलोमीटर है दुनिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नदी है ये और आप देखोगे कि इंदस के पूरे ड्रेनेज बेसिन की बात की जाए तो अप्रोक्सिमेटली वन थर्ड ऑफ द ड्रेनेज बेसिन ऑफ इंडिया ऑफ इंदस रिवर सिस्टम इज इन इंडिया तो लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश और पंजाब ये सब आपका इंदस रिवर सिस्टम में आता है काफी हद तक और बाकी पूरा का पूरा इंदस रिवर सिस्टम आपका आता है पाकिस्तान में

अब ये तो हो गई किताबी बातें बातचीत वाली बातें जब तक फिगर नहीं देखा तब तक मजा नहीं आया तो फिगर पे आ गए यहां पे आपको नजर आ रहा सबसे पहले तो यहां पे इस एनसीईआरटी टी की फिगर में देखिए इंदस का ओरिजिन वैसे तो मैं आपको दिखा चुका हूं ये इंदस का ओरिजिन है दोस्तों यहां पे कहीं पे मानसूर और लेकर तिब्बत से ये इंदस निकल रही हो देखिए यहां पे एंट्री मार रही है अब इंडिया में इसने एंट्री मारी यहां एंट्री मारती हुई नजर आ रही है आगे जाके देखिए श्योक इस नदी से मिल रही है इंदस से श्योक देखिए आ कैसे रही है ये रही श्योक ऐसे बहती हुई श्योक आ रही है और इसी शोक से यहां पे कहीं पे गलवन नदी मिलती है और यहां पे है गलवान वैली जिसके चक्कर में पूरा भवाल बचा हुआ है लद्दाख में तो ये शोक पहले ऐसे भाई फिर शोक ने वेस्टर्न मारा और यहां पे जाके शोक मिल गई आपके किससे से इंदस नदी से इंदस नदी से और भी नदियां मिलती नीचे की तरफ से आपको जास्कर मिलती नजर आ रही है ऊपर की तरफ से शोक में आपको मिलती आ रही है कौन सी नदी न्यूबरा नदी मिलती नजर आ रही है तो ये कुछ नदियां आपको दिख रही है दोस्तों यहाँ पे ठीक है उसके बाद आप देखिए गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाके में गिलगित नदी भी मिलती है इससे आके अगर आप देखो कि जो एटॉक नाम की जगह है वो कहां है तो इस मैप में देखा जाए तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये एक्चुअली में अटोक माउंटेन्स है तो पाकिस्तान में अटोक माउंटेन्स में सीधे सीधे एंटर करती नजर आएगी आपको ये नदी ठीक है और टेक्स्ट देखे कि हमने कौन कौन से मैप्स को छोड़ दिया इसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज को देखना है तो देखें भाई कहीं पे इसकी ट्रिब्यूटरीज दिख रही है क्या हमको हाँ, भाई देखिए ये नदी यहां घुसती हुई है इंदस बहती जा रही है ठीक है अब इसमें और भी बहुत सी नदियां मिल रही है जैसे स्वाट नदी काबुल नदी बहुत सी सोहन नदी मिलती हुई नजर आ रही है आपको ये देखिए झेलम नदी आई झेलम नदी मिली चेनाब से रावी नदी भी मिली चेनाब से सतलज नदी भी मिली चेनाब से और फाइनली चेनाब में सतलज रावी झेलम सबका पानी गिरा और फाइनली ये चेनाब जाके मिथन कोट के पास इंदस नदी में मिल जाएगी और ये इंदस नदी साउथ बहती 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 जाके अरेबियन सी में गिर जाएगी टू द ईस्ट ऑफ कराची सिटी तो ये है इंदस नदी का सीन आप देख सकते हैं काफी बड़ा पोर्शन इसका जहां पे सतलज है बीज है रावी है कुछ हद तक इंदस नदी आपका इंडिया में भी बह रही है तो एक बहुत बड़ा इलाका है इस नदी का ड्रेनेज बेसिन का जो कि इंडिया में बनता है तो जो टोटल ड्रेनेज बेसिन है इंदस रिवर सिस्टम का उसका वन थर्टी से अप्रोक्सीमेटली इन इंडिया अब अगर बात करो आप इंदस वाटर ट्रीटी की तो यूट्यूब में आप मेरे नाम के साथ मार दीजिए इंदस वॉटर ट्रीटी सर्च जैसे आप मारेंगे आपको इंदस वाटर ट्रीटी पे मैंने दो वीडियोस बना रखी है एक हिंदी में और इंग्लिश में ये दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगी तो वाटर ट्रीटी के बारे में अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं आपको इंदस वाटर ट्रीटी पूरी तरीके से पता चल जाएगी क्या है इंदस वाटर ट्रीटी में सिंपल सी बात है छह नदियों को तीन तीन में बांट दिया गया तीन नदी पाकिस्तान को अलॉट की गई और तीन नदियां इंडिया को अलॉट की गई बट वो जो बरावी बीस सतला जो उसका कंप्लीट पानी इंडिया इस्तेमाल नहीं कर सकता है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्लो है वो जाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर भी अब अगर देखिए गंगा रिवर सिस्टम की बात की जाए तो अगर गंगा रिवर सिस्टम को आपको समझना है दोस्तों तो इसके लिए जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही अपनी जो सीरीज दिखाई थी यूट्यूब में उस रिवर वाली जो टोटल मैंने प्ले बना रखी उसको जाके देखिए वहां पर मैंने एक फिगर को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया वो फिगर ये है ये फिगर दिख रहा है आपको यहां पे चार धाम दिख रहे हैं आपको बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री यमुनोत्री से यमुना निकल रही है गंगोत्री से भगीरथी निकल रही है केदारनाथ से मंदाकिनी निकल रही है बद्रीनाथ से अलगनंदा निकल रही है इस अलगनंदा में पहले मिली धौली गंगा धौली गंगा जहां पे अलकनंदा से मिलेगी वो होगा विष्णु प्रयाग फिर अलकनंदा आगे जाके नंद प्रयाग पे नंदकनी से मिलेगी फिर अलकनंदा आगे जाके, जाके कर्ण प्रयाग पे पिंडार गंगा से मिलेगी फिर अलकनंदा आगे जाके मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग में मिलेगी फिर अलकनंदा आगे जाके भगीरथी से देव प्रयाग में मिलेगी और फाइनली अलकनंदा और भगीरथी मिलके कंबाइंड नदी बनाएंगी जिसको आप बोलोगे हमारी गंगा नदी गंगा माता यहां पे भी एक बड़ा अच्छा सा फिगर बना रखा है इस फिगर को हम देखते हैं ये देखिए ये वही जगह है देव प्रयाग तो मैंने अभी यहां पे आपको फिगर में दिखाया है ना ये दिख रहा है आपको देव प्रयाग जहां पे एक तरफ से भगीरथी नदी आ रही है और एक तरफ से यह अलकनंदा नदी आ रही है तो यहां पर भी आपको भगीरथी और अलकनंदा नदी रहती हुई नजर आ रही है आपका एक टास्क है आप ये पता करो हालांकि ये बहुत आराम से पता कर सकते हो अगर आपने मेरी वो जो रिवर्स ऑफ इंडिया की प्ले देखी है ये जो दो नदियां यहाँ पे आपको मिलती नजर आ रही है इन दोनों में से भगीरथी कौन सी और अलकनंदा कौन सी है ये आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो थोड़ा मजा आएगा चीजों में हालांकि अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए इस तरीके के सवाल नहीं आते बट आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो मेरी वीडियोस देख लीजिएगा प्लेलिस्ट जो मैंने बना रखी है रिवर्स वाली सब समझ में आ जाएगा आपको तो अब देखिए गंगा का जो ऑरिजिन है वो मैंने आपको दिखाई दिया गंगा बहते बहते, बहते बहुत सारी ट्रिब्यूटरी से मिलती है जिसमें कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना नदी घग्गर नदी गंडक नदी कोसी नदी यमुना नदी यमरित्री ग्लेशियर से निकलती है अभी मैंने आपको दिखाया गंगा के पैरल फ्लो करती है एंड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा से मिल जाएगी इलाहाबाद पे तो भैया देखिए राइट right बैंक ट्रिब्यूटरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होता है मान लीजिए अगर कोई नदी बह रही है और उसका फ्लो का डायरेक्शन ये है तो इस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा तो उस केस में आप बोलोगे कि इस तरफ से जो नदी आके मिलेगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी तरफ से जो आके मिलेगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी अब हम लोग मैप पे आते हैं देख लेते हैं भाई गंगा की ट्रिब्यूटरी यहां पे कौन कौन सी हमको नजर आ रही है ये गंगा बहती हुई आ रही दोस्तों इस गंगा में यहां से आपको यमुना नदी मिलती दिख रही आगे जाके सोन नदी मिलती दिख रही ऊपर से गंडक नदी घग्घर नदी बहुत सी नदियां मिलती नजर आ रही है आपको आगे जाके कोसी नदी आपको मिलती नजर आएगी इसमें वैसे तो गंगा रिवर सिस्टम को अगर आपको समझना है तो मेरी प्ले लिस्ट जाके देखिए वहां समझ में आएगा फिर ये जो चंबल नदी है इस चंबल नदी आपको मिलती नजर आ रही है ये जो चंबल नदी है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी और यमुना जाके किससे मिलती है गंगा से मिलती है एक और अच्छा फिगर दिखाता हूं आपको यहां देखिए ये थोड़ा और अच्छा फिगर है जो सबसे डार्क ब्लू लाइन है वो गंगा की है इस गंगा के अंदर आपको बहुत सी नदियां मिलती नजर आ रही जो यमुना नदी मिल रही है इस यमुना की कितनी ट्रिब्यूटरी देखिए चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है सिंध यमुना की ट्रिब्यूटरी है बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरी है ये जो केन नदी है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है अब आप देखिए चंबल जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल की ट्रिब्यूटरी से बनास नदी काली सिंध नदी परबाती नदी फिर ऊपर से देखिए अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखे तो रामगंगा गंगा से मिल रही है गोमती गंगा से मिल रही है घग्गर गंगा से मिल रही है ठीक है तो ये कुछ आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नजर आ रही है गंगा की गंगा के ट्रिब्यूटरीज के लिए मेरी प्ले जाके देखिए दोस्तों वहां आपको ज्यादा तरीके से समझ में आएंगी ये चीजें अब देखिए घग्घर गंदक और कोसी ये निकलती हैं आपके नेपाल हिमालयास में इनको मैप में अभी अभी मैंने आपको दिखाया घग्गर भी दिखाई गंडक भी दिखाई कोसी भी दिखाई कभी कभी ये जो नदियां होती हैं बहुत सारा पानी लेके आती है इसलिए जो हमारे नॉर्दर्न प्लोन्स हैं उसमें फ्लड आते हैं कभी कभी बाढ़ जाते हैं उन बाढ़ के चलते जान माल का काफी नुकसान होता है दोस्तों लेकिन ये नदियां बहुत सारा सिल्ट लेके आती हैं उस सिल्ट को हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में डिपॉजिट करती हैं जिसकी वजह से जो इरीगेशन होता है इस इलाके में वो भी बहुत अच्छा होता है फिर अगर पेनिनसुलर अपलैंट से आने वाली ट्रिब्यूटरीज को देखें गंगा की जिसमें चंबल है बेतवा है सोन है ये सेमी एरिया एरा से निकलती है छोटे कोर्स के लिए जाती है इसलिए बहुत ज्यादा इसमें पानी नहीं होता है बहुत ज्यादा इसमें सिल्ट नहीं होता है यहां पे एक प्रोग्राम है नमामि गंगे प्रोग्राम एक कंजर्वेशन कंसोलिडेटेड प्रोग्राम है जिसको जून 2014 में यूनियन गवर्नमेंट ने शुरू किया था इसका काम क्या है इसका काम यह है कि भैया पॉल्यूशन नहीं होना है गंगा में हमें गंगा का कंजर्वेशन करना है नेशनल रिवर गंगा को रेज्यूविनेट करना है तो जितने भी प्रोग्राम चल रहे थे गंगा के रेज्यूविनेशन से रिलेटेड उनको मिला के नमामि गंगे प्रोग्राम ठीक है तो आप देखोगे गंगा में बहुत सारी राइट बैंक, और लेफ्ट बैंक मिल रही है। गंगा बहती के बाद ये गंगा दो भागों में बट जाएगी अब इसके लिए तो भैया फिगर देखना पड़ेगा यहां देखिए ये यह है फरक्का बैरेज यहां नजर आ रहा है इस फरक्का बैरेज पे पहुंची गंगा नदी अब दो भागों में बट रही एक तो जा रही है यहां पर इसको भूलोगे भगुरथी हुगली तो भगीरथी हुगली हो गया ये और एक घुस जाएगा आपका बांग्लादेश में ये जो बांग्लादेश में नदी घुसेगी इसको बोला जाएगा पद्मा तो ये जो गंगा नदी है यहां पे दो भागों में बढ़ती नजर आ रही एक तो हुगली नदी एक दूसरी नदी जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो घुस जाएगी बांग्लादेश में बांग्लादेश में इसको गंगा नहीं बोला जाता बांग्लादेश में इसको पदमा बोला जाता है ये जो पदमा नदी है वो आगे जाके जमुना नदी से मिल जाएगी अब ये जमुना नदी कौन सी है तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों जिसको इंडिया में आप ब्रह्मपुत्र बोलते हो जब वो बांग्लादेश में घुसती है तो उसको बोला जाता है जमुना तो ब्रह्मपुत्र बन बन जाती है बां। बन जाती है है जमुना बांग्लादेश बांग्लादेश में में गंगा ये पद्मा और जमुना मिलकर मेघना बना देंगी बांग्लादेश में ये मेघना एक बहुत बड़ा सुंदर वंश डेल्टा बनाती है इस सुंदर बंश डेल्टा में हुगली का पानी भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है जो कि इंडिया के थ्रू बहता हुआ जा रहा है तो दो तो बाइफर्केशन के बाद क्या मिला आपको एक भागरे हुगली और दूसरी जो सीधे सीधे आपकी बांग्लादेश में घुस गई जो आगे जाके ब्रह्मपुत्र से मिलकर मेघना नदी बना देगी ठीक है ये कंबाइंडली ये जो मेघना नदी है और जो हुगली नदी है मिलके क्या बनाएंगे सुंदरबन डेल्टा बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा ये अभी भी बढ़ रहा है रॉयल बंगाल टाइगर यहां पे मिलता है एक्चुअली ये मार्श लैंड है बहुत सारे मैनग्रोव और कहते हैं ना कि सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर का मिक्सर जहां पे बोल मिलता है वो वाली वेजिटेशन मैंग्रोव वेजिटेशन काफी मिलती है इस इलाके में सुंदरबन डेल्टा में गंगा की नदी अगर आप देखोगे लगभग ढाई हजार किलोमीटर है ड्रेनेज पैटर्न आप देख ही सकते हैं अभी ड्रेनेज पैटर्न एग्जैक्टली exactly कौन का, कौन सा है डेंड्राइटिक है या कोई और तरीके का है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा गंगा रिवर सिस्टम की अगर आप बात करो तो गंगा रिवर सिस्टम और इंदर रिवर सिस्टम को डिवाइड करता है अंबाला तो अंबाला पे ये दोनों रिवर सिस्टम्स होते हैं डिवाइड अगर आप गंगा रिवर सिस्टम की बात करोगे अंबाला से लेके सुंदर तक की तो जो लेंथ है गंगा रिवर सिस्टम की वो है 1800 किलोमीटर तो अंबाला जहां पे इंदर रिवर सिस्टम से गंगा रिवर सिस्टम अलग होता है वहां से लेके सुंदरबंश तक की जो चौड़ाई है वो है 1800 किलोमीटर लेकिन जो स्लोप है मान लीजिए ये अंबाला है ये सुंदर बंश है तो यहां से यहां तक जो नदी बह के आई इन दोनों का जो एलिवेशन है ना इस एलिवेशन में जो डिफरेंस है वो केवल तीन मीटर का है तो अगर आप अंबाला की ऊंचाई देखोगे सी लेवल से और सुंदरबंस की ऊंचाई देखोगे सी लेवल्स पे दोनों में बस 300 मीटर का फर्क है तो इतना लंबा रास्ता 1800 किलोमीटर का और एलिवेशन में जब डिफरेंस आया देखा तो केवल 300 मीटर है तो अगर टोटल लेंथ को एलिवेशन से डिवाइड किया जाए तो 6 किलोमीटर आ रहा है प्रति मीटर पे यानी एक मीटर की हाइट डिफरेंस पे छ किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है गंगा रिवर इसीलिए आप देखोगे की जो स्लोप है गंगा नदी का अंबाला से लेकर सुंदरबंस तक का

करवा दूंगा तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो दोस्तों तो बिना लाइक और शेयर किए मत जाइएगा जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा के इस चैनल को सब्सक्राइब करा लीजिए अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये कर दीजिए थैंक यू फॉर फ्रेंड्स ग्रेट डे गुड बाय